इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं पानीपत, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में खड़गे इस वक्त जन संबोधित कर रहे हैं। उस पे गुरूर था उसको, लेकिन राहुल के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया, चल के ही नाप दिया। तुम कितने लंबे हो मैं देखता हूं, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चलते जा रहे हैं और हम सबको उनके मदद में, उनके सपोर्ट में आना चाहिए। और युवकों को मैं खास करके विनती करता हूं कि अभी बहुत से चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन वक्त हुआ है, हमको पहुंचना भी है, राहुल जी भी आने वाले हैं, इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ के युवकों को फंसाने की कोशिश चली। अग्निपथ का उन्होंने एक विचार लाकर अब सब कुछ स्टाइपेंडरी ग्रेजुएट, किसी को मिलिट्री नहीं, फौजी नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ एक उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट लेके ही वो फिरते रहेंगे, नौकरी नहीं। 30 लाख नौकरियां इस देश में खाली है, चाहे डिफेंस हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे सिविल सर्विस में हो, 30 लाख। लेकिन मोदी जी नहीं देंगे, वो इसलिए नहीं देंगे, 30 लाख में से 15 लाख नौकरियां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लिए जाएंगे। तो इसीलिए वो चाहते हैं अगर 15 लाख लोग गरीब अगर घर बसाएंगे, मजबूत होंगे, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए वो 30 लाख नौकरियां नहीं भर रहे, ऐसे छोटी मोटी स्टाइपेंड देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे सरकार को भी सबक सिखाना है और हमारा काम है और मजबूती के साथ रहना है। देश को बचाने वाले हम लोग हैं और देश के लिए कभी वो लोग नहीं लड़े, आजादी के लिए नहीं लड़े, अपनी कुर्बानी नहीं दिए, लेकिन सब कुछ किया कांग्रेस ने। और कांग्रेस जो की है उसका फायदा उठाकर आज हर जगह घूम रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर निकलता है तो 100 गाड़ियां उसके पीछे। अरे क्यों भाई, पहले के प्राइम मिनिस्टर भी जाते थे, कितने गाड़ियां, 8, 10, 15 कुछ रहते थे। आज होम मिनिस्टर भी निकलता है उसके पीछे भी 50 गाड़ियां। और हम यहाँ पर पानीपत पहुंचना चाहते थे हेलीकॉप्टर में, तो हमको क्लियरेंस भी जल्दी नहीं मिलता, ये बात चल रही है। इसलिए दोस्तों, और ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही कहूंगा, हम सब मिलकर रहेंगे, एकजुट रहेंगे, फिर कांग्रेस को लाने की पूरी कोशिश करेंगे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो आप देख रहे थे किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे यहाँ पर जन संबोधन कर रहे थे। ये भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले ये जन संबोधन पानीपत में हो रहा था। इस दौरान सरकार पर भी जमकर अध्यक्ष ने यहाँ पर मोर्चा खोला है, जमकर हमला बोला सरकार के, कहा कि नौकरियाँ कई सारी यहाँ पर खाली हैं, लगभग 30 लाख नौकरियाँ देश में खाली हैं, लेकिन वो सरकार भरने का काम नहीं कर रही है। उसके अलावा 15 लाख ऐसी नौकरियाँ हैं जो SC ST या बाकी जातियों के उसमें खाली है, लेकिन वो भी सरकार नौकरियों को भरने की कोशिश नहीं कर रही है।